बाय दीप त्रिवेदी। जो लोग ज्ञानी होने का दावा करते हैं वे अपने दिमाग में उलझने पैदा करते हैं कुछ भी न करने का प्रयत्न करें और फिर सब अपने आप ठीक जगह जम जाएगा जो लोग ज्ञानी होने का दावा करते हैं वे अपने दिमाग में उलझन पैदा करते हैं आप कुछ भी न करने का प्रयत्न करें और फिर सब अपने आप ठीक जगह जम जाएगा यहाँ पे आप शब्द मैंने ऐड किया है लाहौस का नहीं है क्योंकि हम बातचीत कर रहे हैं लाहौस चिंता नहीं करते किसी को पर्टिकुलर नहीं कहते इतनी भी हिंसा नहीं करते लेकिन जब आपस में बात होती तो एक तरीका अलग हो जाता फिर भी मैं हिंसा नहीं करता फोर्स नहीं करता करने ना करने के लिए कोई भी नहीं करता है अब ज्ञानी होने का दावा सबको मालूम है मैं बार बार कहता हूं अगर आपको मालूम है कि ये चीज अच्छी है है ना आपको मालूम है ये पुण्य है आपको मालूम है ये धर्म महान है आपको मालूम है ये व्यक्ति महान है आपको मालूम है आपको क्या बनना है है ना आपको मालूम है आपका संसार क्या है आपको मालूम है आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है यही सारे ज्ञान है और हम पूरा जीवन इनको बटोरने में लगाते और सोचते इससे जीवन बन जाएगा ये सारे ज्ञान आप में उलझने पैदा कर रहे हैं और कोई उलझन है नहीं क्योंकि ये ज्ञान का स्टोरेज बुद्धि में है बड़े अच्छे समझ लेना आप जो भी सुनते समझते तय करते उसका बुद्धि में स्टोरेज हो जाता और वो स्टोरेज बैठा बैठा उलझने पैदा कर रहा है जीवन तो बड़ा सीधा और साफ है एकदम सामान्य है अगर हवाई बातें जिन्हें मालूम नहीं है वो बहुत बोल गए जिन्हें मालूम नहीं है वो बहुत ज्यादा कर रहे हैं और ऐसी हवाई बातें ऐसी बेकार की बातें और हजारों वर्षों से चल रही है मनुष्य का जीवन नहीं बन रहा है यही इस बात का सबूत है कि ये सारी बातें बकवास है कृष्ण गीता में कहते हैं ना कि हे अर्जुन सत्य तो अभाव नहीं है और असत की सत्ता नहीं है इन लोगों की कभी सत्ता नहीं हुई संसार के किसी भी धर्म के किसी भी शास्त्र की कभी वास्तव में सत्ता नहीं हो पाई सत्ता तो उन्हीं चीजों की है जो बुद्ध कृष्ण क्राइस्ट मोहम्मद महावीर कबीर सोक्रेटिस और ऐसे हजारों लोगों ने कहा है फिर वो शायर के रूप में कहा कवि के रूप में कहा संगीत से कहा नृत्य से कहा विज्ञान से कहा साम्राज्य तो उन्हीं लोगों का है और जिन लोगों ने उनका साम्राज्य समझा उनका उद्धार हो गया जो ये सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड और नो ग्रेड वाले शास्त्रों में पड़ गए और ये बातों में पड़ गए वो पाप पुण्य अच्छे बुरे में पड़ गए जो इस समाज की बात में पड़ गए वो इस दौड़ में लग गए कि ऐसा बनना पड़ेगा ऐसा बनेंगे तो इस स्टेटस है ऐसा करेंगे तो चार जने पूछेंगे अरे मेरे भाई कुछ ऐसा करोगे कोई पूछे ना आपका दुख पूछ रहे हैं वो है आपका दुख कोई नहीं पूछ रहा ये नहीं है बड़े ध्यान से समझना ये पूरे जीवन का खेल जो कबीर कहते कि उरत मासूरी है और जो दूसरों की परवाह नहीं करते सब उसकी परवाह करते वही एडिसन बनते वही कृष्ण बनते वही बुद्ध बनते वे परवाह नहीं करते बन जाते सब उनको पूछते सब उनको पूछते सब उनकी मानते लेकिन आपको सिखाया जाता कुछ बनना पड़ेगा तो बनने के लिए दौड़ रहे हैं फिर उलझने पैदा करते ये अर्जेंट वो अर्जेंट ये जरूरी इसके बगैर नहीं चलेगा ये सारी की सारी जो भी सुन रखा है अगर कैसेट ब्लैंक है तो उसको समय भरेगा कैसेट भरी हुई है तो समय की आवाज बज नहीं रही है आपको ज्ञान की जरूरत नहीं है जो ज्ञान सीखा है उसको प्रैक्टिकली चेक करके भूलने की जरूरत है कि ये काम नहीं आ रहा है ये मरवा रहा है ये बेकार है बुद्धि की दिक्कत ही ये है कि उसको हर चीज बड़ी अर्जेंट बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी जरूरी मालूम पड़ती और बुद्धिशालियों का लक्षण ही ये है कि उनके पास टाइम ही नहीं होता किसी से भी पूछो इतने बड़े बड़े काम जीवन में ऐसा ऐसा करना है और ये और, और समस्याएं तो इतनी सारी अरे बाप रे बाप तुमने क्या हाल कर रखा है यह सब वास्तविकता नहीं है ये बुद्धि को जो भरा है ना तो वो डेटा इतने ज्यादा आ गए हैं कि करप्ट हो गए हैं कभी भी कुछ भी बांसुरी बच जाती दिमाग में हमारा मन फंस जाता फिर अहंकार ये भी बड़े ध्यान से समझना जैसे ही बुद्धि कोई चीज मानती तो बुद्धि अहंकार का सहारा लेती कि ये तो करना ही पड़ेगा और फिर वाह वाह सोमवार को पास किया ग्रेजुएट हुआ बहुत बढ़िया एकदम सभ्य है बहुत बढ़िया अरे भाई असभ्यता का भी समय होता तो गर्व की क्या बात है और परेशानी अहंकार हर चीज का गर्व देता हर चीज की दृढ़ता देता बुद्धि बाहर से पकड़ती और इस कोलाहल में मन, जिसका समय से ट्यूनिंग है वो क्या कहना चाहता, वो क्या करवाना चाहता वो हमें क्या बनाना चाहता इसका तो हमें पता ही नहीं चलता मोबाइल ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी हुआ इंतजार बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं कृष्ण हूँ भाग एक, भाग दो, और भाग और तीन के बाद अब तैयार हो जाइए द्वारकाधीश कृष्ण के आगे के जीवन की पूरी कहानी जानने के लिए पढ़िए मैं कृष्ण हूँ भाग चार मेरे राजनीतिक उत्थान की दास और जानिए कैसे कृष्ण आर्यावर्त की राजनीति का प्रमुख केंद्र बनकर उभरे द्रौपदी स्वयं सफलता पूर्वक निपटाने हेतु कृष्ण को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा पढ़िए मैं कृष्ण हूँ भाग मेरे और द्वारका के संघर्षशील दिनों की दास्ता और जानिए कृष्ण को अपनी ही बहन सुभद्रा का अर्जुन द्वारा क्यों अपहरण करवाना पड़ा क्या भरी सभा में हुए द्रौपदी चीरहरण के दौरान कृष्ण ने द्रौपदी को अनगिनत साड़िया दी थी पढ़िए मैं कृष्ण हूँ भाग छे मेरे जीवन के अंतिम दिन और जानिए कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान पांडवों का ही साथ क्यों दिया था क्यों कृष्ण की ही प्यारी द्वारका में अधिकांश यादव आपस में लड़कर खत्म हो गए मैं कृष्ण हूं का चौथा पांचवा और अंतिम छठा भाग हिंदी और गुजराती में सिर्फ आत्मन ई स्टोर डॉट कॉम पर उपलब्ध त्रिवेदी तो लाओ से कह रहे हैं कि जो लोग ज्ञानी होने का दावा करते हैं वे अपने दिमाग में उलझन पैदा करते हैं और सबसे बड़ी दिक्कत यह है क्या बोलू मैं खेर पहले सूत्र पूरा करता हूं फिर आपको समझाऊंगा मैं कि लाहौल से कह रहे हैं कुछ भी ना करने का प्रयत्न करें और फिर सब चीज अपनी जगह ठीक ठाक जम जाएगी ये काम हमारा नहीं है हम यहां काम करने नहीं आए हैं हम यहाँ मजदूरी करने नहीं आए हैं हम यहाँ कर्म करने नहीं आए हैं हम यहाँ कार्य करने नहीं आए हैं इतने विशाल ब्रह्मांड में समय पूरी तरह मनुष्य के भीतर है पूरे स्वरूप में है जिसे आप आत्मा के लो परमात्मा के लो कुछ के लो फर्क नहीं पड़ता पूरे स्वरूप में हमारे भीतर है और उसी समय ने ये विशाल रचना की है किसके लिए की है? हमारे लिए की है। हमारे लिए की है कि भाई मैंने शानदार महल बनवा लिया लेकिन महल का होगा क्या अगर अंदर कोई आदमी नहीं होगा महल क्या करेगा महल बनाना हमारा काम नहीं है वो समय का काम है हमारा काम है महल के आनंद लेना इतना सा फर्क क्यों नहीं समझ रहे क्यों बुद्धि के जाल में क्यों परिवार समाज संसार शिक्षा कितनों को सिखा रही कितने सालों से सिखा रही किसका जीवन बन गया जीवन में मेहनत कर कर के आदमी मर गया कोई ईमानदारी से कह दे कि उसकी क्षमता क्या है ईमानदारी से देखना आप पाएंगे हर व्यक्ति पाएगा कि यह मेरी क्षमता है तो फिर यहां क्यों आप कितनी मेहनत करते आप कहेंगे बहुत मेहनत करता हूं फिर यहां क्यों है जरा गौर क्यों नहीं करते हमारा जीवन है कीमती है मूल्यवान है हर किसी का दुख है और मैं सबको देखता कि यार ये कैसा चक्रव्यूह रचा अच्छा गया संसार का कि हर आदमी अपनी कैपेबिलिटी के हजारों लाखों गुना नीचे जी रहा है क्योंकि वो अपनी कैपेसिटी का यूज ही नहीं कर पा रहा है वो बुद्धि के चक्कर में दौड़े जा रहा है अहंकार के चक्कर में दौड़े जा रहा है और चार महाशक्तिशाली रिमोट परिवार शिक्षा समाज और धर्म उसको एक मिनट बैठने ही नहीं देते दौड़ दौड़ अरे भाई कितना दौड़े हम और यहां दौड़ने के लिए आए हैं नब्बे साल के लिए नहीं आए हैं आप तो लाओ जो कह रहे हैं कि आप कुछ भी ना करने का प्रयत्न करें और सब चीज अपनी जगह ठीक ठाक जम जाएगी मैजी के ये सूत्र कोई मुकाबला नहीं हो सकता इसका अब थोड़ा सा प्रयत्न शब्दों को समझ लेना आपको भूख लगाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है कि ऑटोमेटिक है नहीं करना पड़ता आप आंख से देखते हैं आपको देखने के लिए प्रयत्न करना पड़ रहा है हम हवा से ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं ये विज्ञान कहता है हम मानते हैं बात सत्य है लेकिन उस हेतु क्या हम में से कोई प्रयत्न कर रहा है कि हवा में से देख मैं इतना ब्रिलियंट हूं ढूंढ ढूंढ के ऑक्सीजन ले रहा हूं ये जिनको आप ब्रिलियंट कहते ना वो यही कर रहे हैं जरूरत नहीं है प्रयत्न करने की प्रयत्न कर रहे हैं कड़ी मेहनत पक्का इरादा अनुशासन काम ज्यादा ये चारों मरवाने वाले हैं इनी ने मरवाया है एडिसन जिसने एक हजार आविष्कार करे वर्ल्ड रिकॉर्ड है ना कोई तोड़ पाया ना कोई तोड़ सकता एक हजार से ऊपर पैटर्न रजिस्टर करवाना एक मनुष्य जीवन में और उसने उसका जादू क्या बताया कि आराम आविष्कार की जननी है लोगों ने पूछा महाराज ये मैजिक कैसे बोले आराम आविष्कार की जननी है अब इस सूत्र को आप डिकोड करते रहो मैं भी आपसे यही कह रहा हूं आराम आपके पूरे जीवन का जादू है ये उपद्रव आ क्यों रहे कहां से रहे क्यों ले रहे हम वैज्ञानिक युग में है बुद्धिमान युग में है हमारे पास लाल जू है कृष्ण है अष्टावक्र है और बाकी ज्ञानी भी हैं। बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं ठीक है संसार में आने के लिए संसार में जीने के लिए इन तीनों का सहारा जरूरी है तो हम उलझने क्यों पैदा करते हैं हवाई बातें क्यों सुन लेते हैं धार्मिक अधार्मिक होता लेकिन एक ही परिभाषा है कि धार्मिक वो है जो समय की आवाज सुनता अधार्मिक वो है जो समय की आवाज नहीं सुनता क्या करता क्या नहीं करता अच्छा बुरा पाप पुण्य का सवाल नहीं है फिर हमने उठपटांग परिभाषाएं बना ली समय गायब हो गया अरे धार्मिक वो है जिसको स्वार्थ नहीं है अधार्मिक वो है जिसको स्वार्थ है परिभाषा सीधी और साफ है सत्य क्लियर है आप देख लो जिसके जीवन में जितना स्वार्थ है उतना परेशान है कि नहीं तो हम सुन लेते बड़ी बड़ी बातें और फिर शास्त्रों का तो कुछ जाता ही नहीं वो देखते अरे यार ये बुद्ध के इतने फॉलोवर हैं। एक काम करो कृष्ण में पांच दस चमत्कार घुसेड़ दो अरे इतने हो गए क्राइस्ट में पंद्रह बीस डाल दो डालते चले जाते हम सोचते भगवान ऐसे होते अरे कोई चमत्कार नहीं है मनुष्य नियम से चल रहा है क्राइस्ट को भी सूली लगती तो मृत्यु आती है ना मीरा को भी पत्थर लगते तो खून बहता। बीमारी महावीर को भी लगती पेचिस की रामकृष्ण परमहंस को लगती कैंसर की बीमारियां बुद्ध को भी लगती कितने वर्ष कितने वेद लेके घूमना पड़ता था उनको और तीर लगने से मृत्यु कृष्ण की भी हुई है तो बीमारी लगना फिर नहीं नहीं लाते अरे भाई क्या लेना देना है बोले जीवन में दुख नहीं आते अरे आप जिन्हें दुख के थे वो सबके जीवन में आते उनके पास आठ है पूनम करने की तो उनके लिए जो आप दुख देख रहे हैं वो पूनम है बाकी जीवन सीधा और सामान्य है मेरा जीवन हो आपका जीवन हो कृष्ण का जीवन हो चाहे एक सड़क पे सो रहे व्यक्ति का जीवन हो जीवन बड़ा ही सामान्य है जीवन में वो सारे रंग आते जो संसार में रहता उनके जीवन में भी आते जो संसार छोड़ के जाते रंग सारे आते आप क्यों उलझने पालते हो कृष्ण की कौन से अपने परिवार से बन गई बुद्ध की कौन से अपने भाइयों से बन गई अरे बुद्ध की पिता से कहा बनी महावीर की अपनी लड़की प्रियदर्शनी से कहां बनी क्राइस्ट की किससे बनी सोक्रेटिस की अपनी पत्नी से नहीं बनी तो ये सामान्य क्रियाएं हैं आप तो आधार है हम सोचते क्या क्या आप कोशिश क्या क्या कर रहे हैं आप सारे प्रयोग दूसरे पे कर रहे हैं बुद्धि अहंकार दूसरे को पकड़ के समझा रही कि ये समस्या है धन कम होना समस्या है आगे ना बढ़ना समस्या है परिवार में कले होना समस्या है इसने आपका अपमान किया समस्या है अरे ये सब बाहर है आप भीतर है और भीतर कोई समस्या नहीं है ये जादू सीखे बगैर समस्या का अंत नहीं है तो जीवन सामान्य है आप बाहर से भीतर मत पकड़े भीतर मैजिक है सारा का सारा मैजिक भीतर है और ज्ञानी उलझने पैदा करता क्योंकि बुद्धि अहंकार और जने क्या क्या सुन लेता क्या क्या पढ़ लेता क्या क्या समझ लेता और फिर समझता नहीं और मन की नेचुरल रिएक्शन को रोक देता अंत में टोटल क्या आ रहा है कि आपको क्रोध आया भीतर से तो करने के लिए प्रयत्न नहीं करना है हाँ प्रयत्न क्या कर रहे हैं क्रोध को रोकने का बच्चे की पढ़ने की इच्छा नहीं है तो उसको नहीं पढ़ने के लिए प्रयत्न नहीं करना है आप कोशिश क्या कर रहे हैं अरे पढ़ तो उसको प्रयत्न करना पड़ रहा है और प्रयत्न के परिणाम नहीं आ रहे आप समझते क्यों नहीं है यह ब्यूटीफुल ऑटोमेशन है आप प्रयत्न कर रहे हैं अपने ऑटोमेशन को बिगाड़ रहे हैं अपने समय को बिगाड़ रहे हैं अपने जीवन को बिगाड़ रहे हैं बन कुछ नहीं पा रहे हैं। क्या है ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय शक्ति आत्मा का रहस्य इस पर से पहली बार पर्दा उठाते हैं बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी अपनी नई किताब आप और आपका आत्मा में इस किताब में दीप त्रिवेदी आपके जीवन को चलाने वाले ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता आत्मा का सरलतम वैज्ञानिक भाषा में विश्लेषण करते हैं तथा आत्मा और उसके आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित जवाब भी देते हैं जैसे आत्मा क्या है भगवत गीता में कृष्ण ने आत्मा की शक्तियों के बाबत क्या कहा है? आपकी सिस्टम का आत्मा से क्या ताल्लुक है साथ ही आपके शानदार जीवन के लिए इस किताब में कई सरल टिप्स भी दिए गए हैं जैसे आत्मा की शक्तियों को जगाने के सूत्र आत्मशक्ति को अपने भीतर अनुभव करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका तथा कौन आत्मा के कितने निकट है ये जानने के सरल टेस्ट सो आज ही अपनी आत्मा से अपनी निकटता बढ़ाओ और अपने हसीन जीवन की नींव डालो क्योंकि किसका जीवन कैसा रहेगा ये सीधे तौर पर उसका उसकी आत्मा से निकटता पर निर्भर है ये किताब अंग्रेजी में द ब्लैक बुक ऑफ सोल हिंदी में आप और आपका आत्मा मराठी में तुमी आणी तुमसा आत्मा तथा गुजराती में तमे अने तमारो आत्मा के नाम से सभी प्रमुख बुक स्टोर और ई कॉमर्स साइट पर उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी अभी पृथ्वी घूम रही है सबको मालूम है घूम रही है मालूम नहीं है है ना कहते हैं हमें अंदाजा है मैं बड़ा स्पष्ट कहता हूं क्योंकि जब हम मालूम है कहते हैं ना तो वो भी अहंकार का जादू है ईश्वर है हमको मालूम है कैसे मालूम है यार वो क्राइस्ट गॉड अरे वो जीवित थे तब दस को नहीं मालूम पड़ा तुमको मालूम पड़ गया ये असत्य मत लाओ अभी आपको नहीं मालूम है भगवान के गुण क्या होते अभी आपको नहीं मालूम है कृष्ण क्यों भगवान है अभी आपको नहीं मालूम शंकर क्यों भगवान है अभी आपको नहीं मालूम बुद्ध महावीर मोहम्मद क्यों भगवान है मत बोलो भगवान ये भी असत्य है मैं हमेशा टोकता सत्य में समाधान है मुझे नहीं मालूम वे भगवान है मैं जानता हूं भगवान है क्योंकि मैं भगवान के गुण जानता मैं भी आपको वही समझाता ये सिंपल नॉर्मल जीवन है नॉर्मल गुण है तो पृथ्वी घूम रही है प्रयत्न कर रही है कोई प्रयत्न है पृथ्वी का कि है सुबह सुबह एक्सरसाइज करो फिर दूध मले खाओ फिर चार पांच किताबें पढ़ो फिर एक हवन करो आज फिर चौबीस घंटे में एक चक्कर लगाना है कुछ कर रही है पृथ्वी सूर्य रोशनी दे रहा है गौर से देखना आज के बाद चांद चांद नहीं दे रहा है कोई कोशिश कर रहा है आपने देखा चांद को कि बड़ी मेहनत कर रहा है रोशनी देने के लिए नहीं कर रहा है एक बंदर का बच्चा कभी उसकी क्लासेस देखी कि बेटा तू बंदर का बेटा है तू बंदर की औलाद है, तुझे उछलना सीखना ही पड़ेगा उछलने में ग्रेजुएट होना ही पड़ेगा है अरे वो नेचुरल है उछलना उसका सीखने की जरूरत नहीं है प्रयत्न नहीं है हम क्या कर रहे हैं बंदर को उछलते सिखा रहे है। और फिर उससे ज्यादा ज्ञानी आते गाय भैंस बकरी को नॉन वेटेन बनाते और कोशिश कर रहे हैं कि शेर को लोमड़ी को है ना बाघ को चीते को इनको पकड़ के वेटेन बना ले ये पूरी बुद्धि पूरा ज्ञान ये है अरे वो नेचुरल है शेर के बच्चे को शिकार करते सिखाने की जरूरत नहीं है शेर को ये कहने की जरूरत नहीं है कि कोई सामने आवाज करे तो चीर फाड़ दो सिखाने की जरूरत नहीं कोई क्लास नहीं है संसार में न गुलाब के पेड़ को सिखाना पड़ता है कि बेटा तुझे गुलाब के ही फूल उगाना है आपका सारा ज्ञान है क्या तो मैं यही कह रहा हूं आपको भी किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है आपको जो बनना है आप सारे प्रयत्न बंद कर दीजिए लाओजू कह रहे हैं कि आप सारे प्रयत्न बंद कर दीजिए सब कुछ अपने आप ठीक जगह जम जाएगा आप वो बन जाएंगे जो बनना चाहिए आपके जीवन में से वो सारा कचरा हट जाएगा जो हटना चाहिए है ना और आपके जीवन में सारे वो मावे मेवे को नूर सब आ जाएंगे जो आपको आना चाहिए ये बड़ी सिंपल प्रोसेस है और इस प्रोसेस में हमें मस्ती लेना है जब हमारा ये काम ही नहीं है हम किस बुद्धि के भरोसे से इतरा रहे हैं जो अस्सी वर्ष की है हमारा मन खरबो वर्ष का है इतना लंबा फासला है बुद्धि और मन की इंटेलिजेंस का हम किस बुद्धि पे इतरा रहे हैं इतना नहीं समझते कि ये सारे ज्ञानी नहीं थे ज्यादा ज्यादा कितने ज्यादा ज्यादा पांच हजार दस हजार बीस हजार तब क्या चांद नहीं रहा था हम क्या सीखने में लगे हैं जब ये नहीं थे तब भी आपका मन था वो मन आज भी आपके पास है वो इन सबसे ज्यादा ज्ञानी है इसीलिए बुद्ध के थे एक ही ज्ञान अपने दीप स्वयं बनो है ना और कोई ज्ञान नहीं है मुझे अपनी इंटेलिजेंस जगाना है मुझे समय से ट्यूनिंग करना है मुझे यह बकवासे हटानी है नहीं बकवासे ओढ़नी नहीं है थोड़ा सा मन और बुद्धि का फर्क समझो आपके सारे प्रयत्न आपकी सारी कोशिशें आपकी सारी मेहनत को रत्ती भर पॉजिटिव करने की सत्ता नहीं है इतना आप प्रैक्टिकली क्यों नहीं देखते अपने जीवन में एक कार्य बताओ कि मैं कोशिश करके कर सकता या कोशिश का परिणाम आ रहा है आप बताओ सुन लेते प्लानिंग करो अरे प्लानिंग कैसे हो सकती एक सच्चे मुसाफिर की जब मंजिली नहीं है तो मैं प्लानिंग क्या करूंगा हाँ आपका ज्ञान बढ़ेगा तो आपको धुंधला धुंधला दिखेगा कि करीब करीब लग रहा है कि ये जो ऊपर बेटा पहलवान है वो मेरे भीतर के पहलवान के थ्रू मुझे ऐसा बनाना चाहता है एक धुंधा दिखेगा फिर भी चेंज आ सकता कुछ भी हो सकता तो हमारे पास सोचने की जगह नहीं है प्लानिंग की जगह नहीं है ज्ञान की जगह नहीं है जीवन एक फ्लो है एक बड़ी मस्ती और शांति है अपने आप सब घट जाएगा अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा आपके सारे प्रयत्न नकारात्मक है भूख लग रही है दबाओ क्रोध आ रहा है दबाओ नींद आ रही है दबाओ काम करने की इच्छा नहीं है करो पढ़ने की इच्छा नहीं है पढ़ो मंदिर नहीं जाना जाना पड़ेगा इतनी भी बुद्धि नहीं लगाते धागा अंगूठी से जीवन बन जाता बिचारे कबीर के के जाते कि पत्थर पूजे हरी मिले तो पूजू सब पहाड़ है फिर भी हम पहुंच जाते कमाल का मनुष्य है इतना ज्ञान और इतना डर ये सब बुद्धि अहंकार का मायाजाल है और कमाल तो एक से एक करते बुद्ध और महावीर दोनों महानास्तिक थे और दोनों हिंदू धर्म के खिलाफ थे उन दोनों को भगवान भी बनाया उनके मंदिर भी बनाई और उनकी मूर्ति भी बनाई अभी हम दुश्मनी निकाल रहे हैं उनसे कि उनकी पूजा कर रहे हैं जरा सोचना आप हम कर क्या रहे हैं हम कमाल पे कमाल करते हैं जो सीखने का है वो सीखते नहीं जो समझने का है वो समझते नहीं अब जब मैं आपसे कह रहा हूं कि प्रयत्न का अर्थ है जो चीज ऑटोमेटिक नहीं हो रही है वो आप कर रहे हैं उसको प्रयत्न कहते हैं और आदमी बड़ी कोशिश कर रहा है बड़ी मेहनत कर रहा है क्यों क्योंकि अभी उसका ऑटोमेशन वो सेट नहीं कर पाया है जहां जो होना चाहिए वो हो जाए आप ये क्यों मानते हैं कि आपकी बुद्धि आपका अहंकार ये संसार में अवेलेबल जो ज्ञान है ये उस समय से और आपके मन से शक्तिशाली है वो नहीं है अब आप आज के बाद गौर करना अब आप आज के बाद गौर करना ये मन बुद्धि का यह बुद्धि अहंकार मन का फर्क अच्छे समझ लेना क्योंकि मन का समय से ट्यूनिंग है। मैंने आपसे बताया है ना कि भाई मन की गति स्लो है इस मामले में मेहनत करने के मामले में है ना मन की गति स्लो है कष्ट उठाने के मामले में है ना मन तुरंत के देगा आप कहेंगे हिमालय चढ़ना है अरे मन बोलेगा यह भी कोई काम है बुद्धि कहेगी पागल है एक बार चढ़ जा फिर जो मंगता है मिलेगा कुछ मिलता नहीं है हम मन की सुनते नहीं है मन बड़ा सीधा और सरल है वो कहता है सत्य क्या है कि मुझे भूख लगी है तुम कहते तुमको आनंद चाहिए तो बाबा खाना दे दो ना ए? मन सीधा और साफ है क्यों उपवास पकड़ा रहे हो बुद्धि के तो जानता नहीं है है ना सास सोमवार कर ले अच्छा पति मिलेगा मिल जाते हैं <स्थाथा> तो मन बड़ा सीधा और साफ है वो कहता है यार मेरी ये इच्छा ये मेरी समस्या ये इसका समाधान सब आंख के सामने कुछ कोशिश करने की जरूरत नहीं है बच्चे की पढ़ने की इच्छा नहीं है बात समाप्त हो गई अब आप बोलेंगे पढ़ तो प्रयत्न वो किताब में अमीबा पढ़ रहा है और क्रिकेट का बैट दिख रहा है बेचारे को फिर आप बोलते इतना पढ़ता पास नहीं होता डफर है अरे वो डफर नहीं है प्रयत्न करने वाले अपने आप डफर हो जाते हैं तो इस मन का जादू समझो कि मन की गति स्लो है का अर्थ समझ लेना कि संसार का समय ऐसा है कि यहां पर मनुष्य को काम जिसको आप काम कहते वो तो करना ही नहीं है फिर भी जिसको आप काम कहते कि एडिसन ने प्रयोग किए है ना एडिसन ने प्रयोग किए आइंस्टाइन ने टाइम एंड स्पेस की थ्योरी दी मोजार्ट ने धुनी बनाई तो कितना समय इसमें लगाया चार घंटे छह घंटे अभी मैं इतना बोलता इतना लिखता मैं जीवन का कैलकुलेशन लगाऊंगा तो टोटल पांच से छह साल में निपट जाएगा पांच साल में ज्यादा से ज्यादा टोटल उसमें सौ किताबें दो सौ किताबें कितनी भी आ जाए और चार सौ घंटे 600 सौ घंटे कितना भी बोल लू अल्टीमेट कितना हुआ? तो ये मन एक जादू है वो जानता है कि इतना ही काम करना है और वो भी काम इसलिए नहीं है कि बड़ा ब्यूटीफुल फ्लो होता हम समझते कि एडिशन सत्ताइस दिन लेबोरेटरी में रहा अरे वो सत्ताईस सेकंड नहीं रहा मन के साथ था वो मन में प्रयोग घुस गया था फिर क्या है कोई चिंता नहीं टाइम है ही नहीं अब आपकी दिक्कत क्या है समझ लेना बड़े ध्यान से समझ लेना बड़ा गजब का रहस्य और जादू बता रहा हूं मैं बुद्धि को सब अर्जेंट लगता ये 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 ओके चलो फिर बुद्धि उसमें लग जाती मन मना करता हमको लगता है कि मन बड़ा आलसी है ये मन काम चोर है मन बदमाश है ये मरवाएगा है ना हमको लगता है मरवाएगा होगा कब समझता ही नहीं है ये समस्या है अरे अर्जेंट है पढ़ना है एग्जाम सर पे है समझता ही नहीं है मन मन नहीं समझता मन किसी को पहचानता नहीं आप कहते ये बॉस है आप कहते ये भगवान है आप कहते इससे फायदा है आप कहते सत्य है आप कहते ये पुण्य है मन खुद बादशाह है आप खुद गौर करो मन किसी को पहचानता है गौर करना आज के बाद अरे बादशाह भीतर बैठा वो नहीं पहचानता है बॉस होगा यूं घूर के देखा अंदर से दे क्रोध आता मन पहचानता है कि बॉस है अब ऐसा कई बॉस रख लेता हूं जेब में ये मन कहता तू विश्वास तो ना वह एडिसन को ये टीचर है ये है पढ़ना है एडिसन का मन बोले सब बकवास है नहीं जाना स्कूल बादशाह हो गया है ना तो मन बादशाह है वो कहता है यार तू तो मान एक तो हाथ मजा और जीवन भर मजा मन के साथ मजा है मन के विपरीत प्रयत्न है जो आप सारी कोशिशें मेहनत मजदूरी धर्म चिल्ला चिल्ला के गए कि कर्म मत करो कर्म का अर्थ है मन के फ्लो के किराब कुछ करना इसको कर्म कहते कृष्ण अकर्म कहते कि मन के फ्लो के साथ बहो कर्म करने की जरूरत ही नहीं है अकर्म है विकर्म भी कहते लेकिन अभी गीता नहीं लाओ जू है ना तो so, मन के फ्लो के साथ बहने में क्या तकलीफ है तो so, आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो ज्ञान है ना जो प्राप्त किया है वो उलझने पैदा कर रहा है अब उलझने बढ़ गई है जितना ज्ञान है जिसके जीवन में उतनी उलझने है और उतनी उलझने इसलिए मन के हिसाब से जी नहीं पाता और फिर उसको लगता मन मरवा रहा है मैं आपको बता रहा हूं कि मन की गति स्लो बुद्धि को लग रही है बुद्धि से मन अरबों गुना फास्ट है काम करने में रिजल्ट लाने में इस बात का फर्क समझ लेना आप बड़े ध्यान से समझ लेना आप मैं समय हूं विश्व की अंतिम व निर्णायक सत्ता होने के बावजूद कोई नहीं जानता कि आखिर मैं हूं कौन। पूरा ब्रह्मांड ही नहीं बल्कि मनुष्यों के जीवन की हर ऊंच नीच भी मेरे ही नियंत्रण में है जो मेरी चाल से ताल मिला लेगा एक सुखी और सफल जीवन गुजारना उसका भाग्य हो जाएगा अभी भी देर नहीं हुई है मेरी चाल से ताल मिलाने के लिए पढ़िए बेस्ट सेलर्स मैं मन हूँ मैं कृष्ण हूँ और 101 सदाबहार एक के लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब मैं समय हूँ ये किताब हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स तथा ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है बाय दीप त्रिवेदी मन की खुराक क्या है और मन की समस्या क्या है मन की खुराक आनंद मस्ती शांति उत्सव खाना मोज शौक घूमना ये सब मन की खुराक है जब भी मनुष्य को ये मिलता है तो वो किसी के बाप को नहीं पहचानता है है ना फिर कोई कह दे अरे तू हिंदू हो क्या ऐसा अरे जावे वो फिर कल मंदिर में मिलेंगे तब फिर हिंदू हो जाएंगे ना अरे समाज अरे छोड़ यार मन नहीं पहचानता है समझ लेना वो बादशाह है और ये उसकी खुराक है और इसीलिए हम पैदा हुए हैं और मन की ऐसी ब्यूटी है इतनी ब्यूटी भी है मन की जिसकी आपको कल्पना नहीं है अब आपकी दिक्कत क्या है कि जीवन हम खुद चला रहे हैं तो हम बुद्धि से अपनी प्रायोरिटी तय कर रहे हैं है ना अब होता क्या है बुद्धि कहती कि ये ये चाहिए और ये नहीं चाहिए और मन अपना राग अलाप रहा है उसको पैसे नहीं चाहिए कभी गौर करना मन को पैसे चाहिए कभी गौर करना मन को नहीं चाहिए मन को इज्जत चाहिए नहीं चाहिए बुद्धि को इज्जत चाहिए है ना बुद्धि आपको ऐसा कुछ नहीं करने देती जिससे इज्जत चली जाए और मन ऐसा कुछ नहीं सुझाता जिससे इज्जत आए बरबर है अब जिनको आप भगवान कहते हैं उन्होंने इज्जत ली नहीं इज्जत जाने दी है ना मीरा सड़क पे नाच रही है कोई नग्न घूम रहा है कोई हिंदू धर्म के खिलाफ बोल रहा है है ना वो क्राइस्ट योदियों के खिलाफ बोल रहे हैं है ना तो सोक्रेटिस पकड़ पकड़ के ज्ञान दे रहे हैं नहीं सुनने वालों को चिल्ला चिल्ला के दे रहे हैं तो इज्जत वाली बात तो किसी ने नहीं करी फिर क्या हुआ इज्जत उन्हीं की दे गई है ना तो आप इस बात का फर्क समझ लो कि बुद्धि और मन का संघर्ष क्या है बुद्धि बाहर देखती मन के पास बाहर की आंखें ही नहीं है वो कहता ये छोटे मोटे 200-500 करोड़ नमूने ये 80 साल में गायब हो जाएंगे तू चिंता कर किसने क्या कहा है ना मैं तो बास्ट हूं मैं तो उससे कांटेक्ट में हूं मुझे मस्ती लेने दे भाई है ना अच्छा क्या फर्क पड़ता है अभी हम कहते हैं ये राम है ये रावण है उनके साथ गया क्या जो जिया बड़े ध्यान से समझ लेना अच्छा बुरा पाप पुण्यों का हिसाब हम ज्ञानी लोग लगाते रहे उससे उनके जीवन में फर्क आएगा गौर करना मेरी जीवन भर बड़ी इज्जत रही मैं जहां से निकलू हजारों आदमी पूछ रहे हैं है ना और मैं हंसा ही नहीं कभी क्या फायदा हुआ कुछ फायदा नहीं हुआ तो बुद्धि और मन का फर्क समझ लो अब मन का जादू भी समझ लो ठीक मैं क्यों कहता कि बुद्धि से लाखों करोड़ों गुना इंटेलिजेंट और पावरफुल इंस्ट्रूमेंट आपका मन है सत्य यह है कि मन की समय की चाल के सामने बुद्धि की चाल जीरो है ये ही नहीं बुद्धि स्लो है मन फास्ट है लेकिन अभी आपके केस में मन स्लो है और बुद्धि फास्ट है फर्क समझ लेना तो हम बुद्धि के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं तो हमको लगता है कि मन स्लो है अगर इस स्पीड से काम करेंगे अगर मैं हर क्लास में तीन तीन साल फेल होऊंगा, तो ग्रेजुएट कब होऊंगा, है ना शॉर्ट में <laughs> यह समस्या है तो आपको लगता है कि मन स्लो है मन बड़ा फास्ट है बुद्धि की औकात नहीं है मन की स्पीड से दौड़ने की अब आप प्रैक्टिकली अनुभव करना मैं हमेशा कहता हूं आप बुद्धि की अर्जेंसी को अर्जेंसी मत माने आप अपनी समस्याओं को समस्या मत माने आप आपकी जरूरतों को जरूरत मत माने यह आपका अधिकार भी नहीं है आपके सोचने से हो जाएगा यही तो अहंकार की शुरुआत है ये पुण्य आपने जाना और तय कर लिया और कर दिया यही तो अहंकार है अरे मैं तय क्यों करूं मैं किसी की क्यों सुनूं, उनको भी समय चलाता था तो डायरेक्ट गॉड फादर को लाऊ ना है ये छोटे मोटे फादरों को क्या करना आपको डायरेक्ट गॉड फादर से टच में रहो इतनी तेज गति समय की हो जाएगी आप देखना छोटे बच्चों को जिनका पढ़ने में मन नहीं है और आप उनको फोर्स नहीं कर रहे पढ़ने के लिए तो आप क्या समझ रहे हैं वो फेल हो जाएगा आप क्या समझ रहे हैं वो खत्म हो जाएगा अरे कभी गौर करना मन अंदर काम करता और तेजी से काम करता वो खेलता रहता वो नाचता रहता वो स्कूल भी नहीं जाता तो हमको लगता कि स्लो हो गया नहीं उसका मन शक्तिशाली होता जा रहा है भीतर और फिर अचानक एक दिन मन कहता यार पढ़ भी ले अब और जब वो पढ़ता फट से पास हो जाता सेवेंटी परसेंट एटी परसेंट क्यों क्योंकि जब मन लगेगा परिणाम आएगा और मन की अपनी चाल है मन का अपना समय है वो आपकी बुद्धि की अर्जेंसी को नहीं मानती क्योंकि बुद्धि डफर ये कहती एक साल पढ़ने पे आठवीं से नवी में जाते मन किताब देखता ये नो रोज काम खत्म फिर नो रोज के ऊपर हर एक का अपना अलग अलग जितना आनंद है उसके पास जितनी मस्ती है उतना उसका मन शक्तिशाली है अपना अपना डिसाइड कर लो आप, आपको एग्जेट मालूम पड़ेगा हाँ यार हमको तो लगा कि साल भर पढ़ा ही नहीं इच्छा ही नहीं है यहाँ घुमे स्कूल नहीं गए और ये एकदम अचानक मन आ गया पढ़ने का और अठारह अच्छा दिन में हम तो फर्स्ट क्लास पास हो गए क्योंकि आपके लिए अठारह अच्छा दिन का ही समय है वो मन एक्यूरेट है मन मास्टर है आप एक काम मन की मर्जी के खिलाफ करते हैं शाम पढ़े देख लेना क्या होता है बुद्धि से करते हैं क्या होता है तुझको रखे राम तुझको अल्लाह रखे काम नहीं होता है मैं आपको यह कह रहा हूं लाहौस मन की चाल से चलो और भरोसा रखो एडिसन भी स्कूल से उठ गया आइंस्टाइन को जर्मनी से भगा दिया कि डाले थक गया आइंस्टाइन बोले ऐसे जर्मनी में नहीं रहना अमेरिका चला गया कितना काम चलता था रिलेटिविटी पे आइंस्टाइन को भी इंटरेस्ट था सिद्धांत खोजने में लेकिन कोई प्रयत्न थोड़ी करना है खोजने में इंटरेस्ट है बात अंदर डाल दो बड़ा जवाबदार है मन वो डायरेक्ट काम नहीं करता कि चलो खोजो खोजो पढ़ो पढ़ो अरे नहीं भाई नहीं भाई नहीं वो तो एक ही बात कहता चलो खोजना है ना हाँ आनंद दे मस्ती दे बुद्धि को लगता है ये तो अवॉइड तो कर रहा है हमारे मेन टारगेट को तो अवॉइड कर रहा है वो अवॉइड नहीं कर रहा है वो भीतर ही भीतर मजबूत हो रहा है वो भीतर ही भीतर बितर शक्तिशाली हो रहा है वो बड़ी मस्ती में घूमता अकेला आइंस्टाइन मस्ती में घूमते रहे कितने वैज्ञानिक कितना ट्राई इकट्ठे करके टीम मिला के ये महाराज ने एक ही सेकंड में लिख दिया E इक्वल टू एम स्क्वायर ये लो सिद्धांत हाथ में इसको टेंशन है यार अभी कबीर के दोहे कैसे बेहते बिठा दो बुद्धिशालियों को और बोलो प्रयत्न करो कोई ऐसा दोहा जमा के बताओ न विचार आएगा ना दो आएगा ना फ्लो आएगा न भाव आएगा कुछ नहीं आएगा सो आप थोड़ा सा समझो कि समय की गति फास्ट है वो साल का काम सेकंड में करता है इसलिए वो साल भर आराम भी करता है क्योंकि उसकी गति बड़ी फास्ट है बुद्धि दिन भर काम करती है लेकिन गति स्लो है कुछ नहीं होता सिर्फ दिखता है आप तकलीफ पा रहे हो उस चीज की आप जो जो बुद्धि अहंकार से कर रहे हैं उसमें आपको बड़ी परेशानी हो रही है बड़ा कष्ट हो रहा है और हो कुछ भी नहीं रहा है क्योंकि आप प्रयत्न कर रहे हैं मन जवाबदार है आपको कमाना है आज मूड नहीं है कई बार ऐसी ऐसी सिचुएशन आती आप चिंता क्यों करते मैं समस्या के सारे सूत्र कवर करूंगा और कोशिश करूंगा समझाने की कि इस मैजिक को समझो मन जवाबदार है आपको लापरवाह लग रहा है वो अंदर काम करता है अगर मैंने सोचा अगर मुझे लगा बचपन में कि यारी आर्य समाज वाले बात ऊंची के गए और आगे बढ़ते बढ़ते तो फिर अब आर्य समाज से भी क्या लेना देना धीरे धीरे करते तो बड़ा शक्तिशाली है मन बड़ी कृपा है इस पे भगवान की डायरेक्ट समय से कांटेक्ट है इसका तो ये करने के लिए कोई मैंने शास्त्र पढ़ेगी कोई हवन किया कि किससे पूछा नहीं मैं जिया मैं बाहर जिया भीतर मन यात्रा करता रहा और पूरा आकाश भीतर उतर गया आप इस ज्ञान को समझो आप इस टेक्टिक को समझो आप टाइम एंड स्पेस के इस मैजिक को समझो कि आपको यात्रा भीतर करनी है इंटेलिजेंस की यात्रा करनी है और बाहर मजा लेना है जितना मजा आएगा मन यात्रा करेगा उसी डायरेक्शन में जहां आप जाना चाहते आप कमाना चाहते तो रखो दिमाग में खुद मत पढ़ो दम लगा के हई दम लगा के खुद मत पढ़ो अपनी जरूरतें बढ़ाओ मत मन की जरूरत नहीं है मन क्या कहता यार एक छोटी सी सीडी दे दे एक मनपसंद पिक्चर दिखा दे बिचारे की डिमांड क्या है बड़ी छोटी छोटी और प्यारी प्यारी डिमांड है मन की वो ये भी नहीं कहता छलांग नहीं लगाता ये सारी छलांगें बुद्धि की मन की नहीं है और मर्सिडीज चाहिए ये चाहिए मन तो पैदल भी निकलता ना अब ये सारी गाड़ियां खड़ी कर लो और एक चैतन्य प्रभु एक मीरा नाश क्यों निकल जाए संसार की सारी गाड़ियां जीरो नजर आएगी ये मन की बादशाही है हम महावीर बुद्ध को बादशाह कहते उनके पास था क्या और एक घर के सामने मांगते जो और जितना मिल जाता स्वीकार लेते तो भी बादशाह तो वही रहे। तो थोड़ा सा इस मन के गणित को समझो वो भीतर यात्रा करता है आपको नहीं मालूम पड़ेगा बुद्धि को नहीं मालूम पड़ेगा आपके परम चैतन्य में आपको जो करना है आप डाल दो अंदर और उसको अपने आप करने दो भीतर वो करेगा खेल और फिर घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा क्योंकि अंदर वो यात्रा कर चुका है और जब मन कहता यस नाउ और नेवर पढ़ने बैठते हैं उसका और कहीं मन नहीं लगेगा जब इतनी तकलीफ जाती मैं तो लिखता हूं किताबें हिंदी में लिखता हूं और हाथ से लिखता हूं सबको मालूम है कि कितनी तकलीफ होती फिर लेक्चर देना फिर बाकी भी सब लेकिन जब आप लिखने बैठते तो महीनों तक दूसरी कुछ इच्छा नहीं होती फिर वो समय चला जाता समय कहता हो गया फिर वो बोलू नहीं मेरे को तो निपटा नहीं है इसी साल ये किताब इसी साल खत्म होना चाहिए ये डिसाइड मैं नहीं करता मैं कर भी नहीं सकता फिर आराम का समय आता फिर दूसरे समय आते तो भीतर वो यात्रा चलती कितना काम निपटाना है समय को सब मालूम है कितना निपटाना है समय को सब मालूम है आपको क्या बनना है आपको भी मालूम है आपकी क्या क्षमता है आपको भीतर यात्रा करने की प्रोसीजर नहीं मालूम दीप त्रिवेदी अपनी नई किताब 101 सौ एक सदाबाहर कहानिया में सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ कहानियों और चुटकुलों को और भी रोचकता प्रदान करते हुए उनके गहरे साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल पहलुओं को सार के रूप में अपने ही अनोखे अंदाज में समझाते हैं यह किताब अंग्रेजी हिंदी मराठी तथा गुजराती में आत्मनिस्टोर और सभी प्रमुख बुक स्टोर तथा ई कॉमर्स साइट आरोप उपलब्ध है मनुष्य जाति के इतिहास की सबसे अद्भुत किताब दीप त्रिवेदी द्वारा छह भागों में लिखित कृष्ण की संपूर्ण आत्मकथा मैं कृष्ण हूँ की छह बुक की ये कम्प्लीट से। हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर और ई कॉमर्स साइट उपलब्ध है कैसे अनपढ़ एडिसन 1000 से ऊपर पेटेंट्स रजिस्टर करवाने वाले वैज्ञानिक हो गए कैसे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भर रहे तीरू भाई इतने बड़े व्यवसायी हो गए कम पढ़े लिखे वसकूली शैतान कैसे स्टीव जॉब्स हो गए सफलता के पैमाने अनेक कारण सिर्फ एक मन की शक्तियाँ मन की शक्तियों को जगाने तथा एक सुखी और सफल जीवन जीने के लिए पढ़िए दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं मन हूँ